अंदर नहीं जानते रहे भाग जब वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी बारा डोमिनेटर पर। मैं आपका दोस्त दीपक एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज अपना प्लान एक छोटी सी राइड का है। आज हम जाने वाले हैं सरधना और यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस चर्च है जिसको आज हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ ज्वाइन किया है सैंकी ने और प्रियांशु ने। हेलो। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ से निकलने का और यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर के करीब सरधना पड़ेगा और अभी वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं एक बड़ा ही ऐतिहासिक चर्च जिसके बारे में बहुत सी बातें फेमस है। पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। पुरानी जगह है वहाँ पर, बेसिकली एक चर्च है वहाँ पर, बड़ा ही सुंदर चर्च है। एक बार मैं पहले भी गया हूँ तो मुझे लगा आज मैं फ्री हूँ तो आज आपको लेके चलता हूँ उसी चर्च पर। तो अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं खतौली और ये मेरे लेफ्ट में आप देख रहे होंगे बड़ा सा मील, ये यहाँ का शुगर मील है। और मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये एशिया का सबसे बड़ा शुगर मील है। तो यहाँ से आगे हमें लेना होगा लेफ्ट। अभी हम पहुँच चुके हैं खतौली के अंदर जो एंट्री है कावर पट्टी की उस पर, और ये रास्ता अगर मैं सीधा बताऊं तो आपको लेके जाएगा दिल्ली और इधर मेरे पीछे में लेके जाएगा हरिद्वार तक। तो अभी फाइनली हम पहुंचे गंग नहर पर। सरधना के पास में ये गंग नहर है और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर भी सरधना है। अभी हम रुके थे यहाँ पर कुछ खाने के लिए, सैंकी और प्रियांशु को थोड़ा अभी भूख का इशू है तो पहले इनका इशू खत्म करते हैं और उसके बाद में करते हैं कंटिन्यू। तो ये हम आ पहुंचे अभी सरधना और यहाँ से हमें लेना होगा राइट। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी सरधना चर्च पर और ये मेरे लेफ्ट में जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, जो हमारे साथ साथ चल रही है, ये दीवार चर्च की ही है और यहाँ से चर्च का मेन गेट है। पहले कहीं हम बाइक पार्क करते हैं और उसके बाद में चलते हैं अंदर। तो यहाँ के एक बड़ा पंगा हुआ जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ की टाइमिंग है लगभग 4 बजे की और हम पहुंचे अभी 4 बजे के बाद। तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया वो अंदर। फाइनली बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिल चुकी है अंदर जाने की परमिशन और ये सीधा रास्ता हमें लेकर जाएगा इस ऐतिहासिक चर्च के अंदर। चर्च को 1822 में बनवाया गया लतीफ अली खां की बेटी फरजाना, जिन्होंने भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के एक अंग्रेजी सेनापति समरू उर्फ वाल्टर रेनॉल्ड्स से शादी कर ली। समरू यानी वाल्टर रेनॉल्ड्स की मौत के बाद सारी कमान बेगम समरू ने संभाली, यानी बेगम फरजाना ने संभाली। बताया जाता है कि बेगम लड़ने में निडर और बर्ताव में ऊंची थी, दोस्तों के लिए रहमदिल और दुश्मनों के लिए कयामत थी। कुछ सालों बाद बेगम ने 1809 में इस चर्च को बनवाना शुरू किया और इस चर्च में नक्काशी और कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना पेश किया। चर्च में लगी जीजस की मूर्ति बड़ी ही लाजवाब है। चर्च कृपाओं की माता मरियम का एक तीर्थ स्थान बन चुका है। कहा जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई सभी फरियादें यहां पर पूरी होती है। बेगम समरू ने अपने शौहर के मरने के 3 साल बाद ईसाई धर्म अपनाकर अपना नाम योहाना रख लिया। चर्च में मौजूद चमत्कारी तस्वीर की वजह से सन 1961 में सेंट पोप द्वारा इस चर्च को छोटी बेसिलिका का किताब दे दिया गया और इसी वजह से यहाँ पर मेले की परंपरा भी शुरू हुई। ये चर्च इतना फेमस है कि इंडिया से ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर से भी लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। तो ये था सरधना का फेमस चर्च। अभी फिलहाल टाइम है घर निकलने का, यहाँ से निकलते हैं घर और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, जर्नी सेफ।